झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन की मुख्य सियासी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इस बार जेएमएम का स्थापना दिवस बेहद खास है। मंच से सरकार की उपलब्धियों की बात होगी तो वहीं मिशन 2024 के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका में पार्टी के 44वें झारखंड दिवस के बहाने मिशन 2024 का शंखनाद करेगा। जल जंगल और जमीन की लड़ाई से आगे निकलकर सत्ता के गलियारे में सत्ता कैसे हासिल की जाए इसे लेकर मंथन किया जाएगा। दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है। पार्टी नेताओं के मुताबिक मिशन 2024 के तहत पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का आह्वान किया जाएगा। पार्टी की इस राजनीतिक सभा को पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेता संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान में भव्य और विशाल मंच और पंडाल बनाए गए हैं। मैदान में हजारों की संख्या में उमड़ने वाले कार्यकर्ताओं और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दुमका शहर में पार्टी नेताओं के स्वागत के लिए 44 तोरण द्वार बनाए गए हैं। पूरा शहर पार्टी के झंडे, बैनर और पार्टी नेताओं के कटआउट से सजाया गया है। काफी उत्साह है लोगों में और काफी उमंग है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का जोश है लोगों में काफी भव्य होगा ये 2 फरवरी। हम लोग भी उसी को लेकर के काफी उत्साह हैं और ये 2 फरवरी के झारखंड दिवस को लेकर के हम लोग भी काफी उत्साहित। झारखंड दिवस में मांग रखते थे कि झारखंड अलग राज्य का मांग, अभी अपनी सरकार है, हम लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि जो हमने वादे किए, जिस मकसद से झारखंड हम लोगों ने लिया है उसको कहाँ तक पूरा करने के लिए हम कर पाए हैं और कितना करना है, इन सारी चीज़ों पर ही हमारा चर्चा जो है केंद्रित रहे। परंपरागत ढंग से एसपी कॉलेज मैदान में जमा होंगे और वहाँ से 4 बजे जुलूस निकलेगा। जुलूस का नेतृत्व बीच में सिद्धु कानू प्रतिमा से आपको मुख्यमंत्री करेंगे। हक अधिकार और अलग राज्य झारखंड की मांग की लड़ाई को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लड़ाई लड़ी, लेकिन झारखंड बनने के बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों में सत्ता की कमान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 44वां झारखंड दिवस में गांधी मैदान पहुंचेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इसका नेतृत्व करेंगे और रैली को दुमका के एसपी कॉलेज मैदान से लाकर गांधी मैदान में पहुंचेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सुप्रीमो शिबू सोरेन के पहुंचने के बाद झंडोत्तोलन करने के बाद मंच में जो पूरी तरह से जो संथाल परगना के लोग गांधी मैदान में पहुंचते हैं गुरुजी यानी शिबू सोरेन को सुनने के लिए, उसके बाद ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है और ये कार्यक्रम पूरा रात भर चलता है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दुमका के गांधी मैदान को पूरी भव्यता के साथ सजाया गया है। मैदान में होर्डिंग, झंडे, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लोग आएंगे जो पूरे संथाल परगना से लोग आते हैं तो उसको बैठने के लिए पूरी तरह से कालीन बिछाया गया है, दरी बिछाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पे आएँ वो बैठे। जो वरिष्ठ लोग आएंगे, वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, उनके बैठने के लिए भी कुर्सी की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में जो आज का दिन है वो काफ़ी खास है। जो बातें होगी वो काफ़ी राजनीति होगी, क्योंकि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना राजनीतिक दिशा दशा इसी 2 फरवरी के आधार पर करती है, तो आने वाले समय में मिशन 2024 को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी गांधी मैदान से शंखनाद कर सकते हैं। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। और बात करने के लिए सुबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुमका से। सुबीर, ये बताइए कि क्या कुछ तैयारी है इस बड़े कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये झारखंड दिवस 44वां है,
तो ऐसी स्थिति में पिछले अगर दो सालों की बात करें तो काफी साधारण तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन में ही अपना झारखंड दिवस मनाई थी, लेकिन इस बार जो है चूंकि कोरोना का प्रकोप भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो इस बार का तैयारी है वो काफी भव्य तैयारी की गई है। पूरे गांधी मैदान को जो है जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ पे पूरा तैयारी किया हुआ है, क्योंकि रात भर ये कार्यक्रम होता है तो इसको लेकर जो है जो लोग पूरे संथाल परगना से लगभग लाखों लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो उसको बैठने के लिए दरी और कालीन बिछाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो तैयारी है वो काफी भव्य है। और सबसे खास बात है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में हेमंत सोरेन के हाथों में ही कमान है, मुखिया है झारखंड के, तो ऐसी स्थिति में जो इस बार की जो बातें होगी वो जो खास होगा वो मिशन 2024 को लेकर होगा, क्योंकि जो राजनीति है, क्योंकि इस वर्ष 2023 के बाद जो 2024 में चुनाव होना है तो ऐसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एक हुंकार होगा वो मिशन 2024 को लेकर होगा। साथ ही चूंकि तीन वर्षों से सरकार में रहने के कारण जो विकास कार्य हुए हैं सरकार के वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बताने का काम यहाँ के लोगों को करेगी, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जो है अब दोपहर में यहाँ आएंगे और उसके बाद 4 बजे संथाल परगना महाविद्यालय से जो जुलूस निकलेगा रैली के रूप में वो गांधी मैदान तक पहुंचेगा, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन करेंगे। जी बिल्कुल सुबीर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। विधायक सरयू राय ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग पर 150